हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन। एंड बच्चों, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि आपने पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसमें मैंने छोटा सा एक हिंट भी दे दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे होता है, और उसका एक मैंने रिविजन का क्वेश्चन दिया था। एंड आई बिलीव कि आप वो रिविजन का क्वेश्चन करके आए हुए हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन मेथड निकालना नहीं सीखा, क्योंकि ये वाला जो आज वाला जो लेक्चर है, इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो यहीं पे पॉज करो और पहले देख के आओ, फिर ये वाला लेक्चर देखना आप लोगों ने, ओके? और अगर जिसने नहीं देखा है, तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक आपको आई बटन पर बना आ जाएगा। तो बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलो कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता था, उसका फॉर्मूला क्या होता था? सर, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता था कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हाँ, याद आया मुझे बच्चों, कॉस्ट ऑफ एन एसेट समझ गए ना क्या होता है? हाँ सर, समझ गए। कॉस्ट ऑफ एन एसेट मतलब जितना पैसा डीलर साहब को दिया है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस जो फिक्सिंग चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो सब कुछ सर कॉस्ट ऑफ एन एसेट में कवर होता है। और सर, वो हमने आपने जो लिंक सेंड किया था ना, उस लेक्चर का, कॉस्ट ऑफ एन एसेट वाले का, वो भी देख लिया। वेरी वेरी गुड बच्चों। कॉस्ट ऑफ एन एसेट अगर समझ नहीं आया ना, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन में आगे कॉस्ट ऑफ एन एसेट पे ही चर्चा होगी, ठीक है? तो ये समझ लेना अगर अभी भी नहीं देखा है तो। सो कॉस्ट ऑफ एन एसेट सर, इसमें से माइनस कर देते थे जो स्क्रैप वाले भैया हमें पैसा दे देंगे, और सर हमें कितने पैसे का अरेंज करना है, ये तो वो आ गया, अपॉन में कितने सालों के लिए अरेंज करना है, दैट मींस एस्टिमेटेड लाइफ। तो सर ये फॉर्मूला होके चलता था। वेरी वेरी गुड, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है बच्चों? क्या आप जानते हैं क्या सर, की स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल इक्वली रहता है? हाँ सर, ये तो बात देखी हमने। मान लीजिए 1 लाख को 5 से डिवाइड करते हो, तो 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 पांच सालों तक इक्वल डेप्रिसिएशन रहता है। इसलिए बच्चों, इसको एक और मेथड से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड बच्चों, एक तरह से इसमें देखा जाए डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, इसलिए बच्चों इसको एक और नाम से बुलाते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है? तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, मुझे इतना समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, बट सर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करना है? बच्चों, रिकॉर्ड करने के लिए हम शुरुआत करके चलेंगे, एंट्रीज सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कैसे होती हैं। बट डेप्रिसिएशन की एंट्री सिखाने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें दोबारा लर्न करवा रहा हूँ, दोबारा याद दिला रहा हूँ। डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, नहीं सर एक्सपेंस है बट नॉन कैश एक्सपेंस है, ओके? एंड डेप्रिसिएशन, डज डेप्रिसिएशन इंक्लूड एनी कैश आउटफ्लो? नहीं सर, एक जगह से पैसा उठाया प्रॉफिट का, एज अ खर्चा निकाल लिया प्रॉफिट से, और अपनी कंपनी के अंदर ही उसको अलग से रख लिया ताकि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। तो पहली बात तो यही है कि डेप्रिसिएशन इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है? दूसरी, पहली बात तो ये लर्न हो गई। दूसरी बात बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सर, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन, जो वो रिड्यूस्ड अमाउंट होती है ना वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट में, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि 1 लाख रुपए का एसेट है, इस पे 20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगा दो, तो आपका आंसर क्या होगा? सर, मेरा आंसर होगा 80,000 रुपया। बेटे, कैसे निकाला आपने? सर, ये मैंने ऐसे निकाला कि 1 लाख रुपए की तो वैल्यू ऑफ एन एसेट था सर, इस पे पूरा साल बीत गया और सर इस पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, दैट मींस 20,000 से इसकी वैल्यू कम कर दी, तभी सर मेरा 80,000 रुपया बना, ठीक है? दूसरी चीज तो ये सीख ली। तीसरी चीज, डेप्रिसिएशन हम कब कैलकुलेट करते हैं? सर, डेप्रिसिएशन पूरा साल तो बीत जाने दीजिए ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, दैट मींस पूरे साल उसकी वैल्यू कम होती है, और साल का जैसे ही एंड होता है हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों, तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। बच्चों, ये वाली जो कंडीशन है ना, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, बच्चों हर केस में नहीं होती, अभी सिंपल समझ लो, जर्नली ये होके चलता है, ठीक है? तो बच्चों, अब शुरू करके चलते हैं हम एंट्रीज, बट एंट्रीज में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे नहीं कूदूंगा। आप जैसे कि जानते हैं, जो आपके कशिश सर हैं, जो शुद्ध देसी कॉमर्स वाले हैं, वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे नहीं कूदते, वो एक पहले स्टोरी से समझाएंगे कि ये स्टोरी है, समझे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे कूदेंगे सीधा, ठीक है, जंप करेंगे। तो बच्चों, आप सबके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और जैसे ये जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, इन क्वेश्चन को जैसे मैं करवा के चलूंगा, मेरे स्टाइल से पढ़ लोगे ना, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाया था आपके लिए, सबसे ईजी चैप्टर डेप्रिसिएशन हो जाएगा।
बट मेरे स्टाइल से पढ़ना, जैसे मैं इजीएस्ट मेथड समझा के चलूंगा, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल बना रहा हूँ तो दिल पे मत लेना ये एग्जांपल। मान लीजिए ये मैंने एक टेबल बना दिया, ये टेबल किस चीज़ का बनाया, ये पूरे साल मतलब साल बाय साल के टेबल्स हैं, तो इसमें पूरा साल का टेबल बनेगा, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक एसेट परचेज करी, 1 2 3 4 5, जिसकी लाइफ थी 5 ईयर्स, ओके। एंड बच्चों फटाफट से बताओ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। सर 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दीजिए, सर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलो वो तो बात की बात है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एंट्रीज। सो मैं आपको ना एंट्रीज के थ्रू समझा के चलूंगा, मैं आपको ना कंडीशंस देके चलूंगा। जैसे जैसे हमारा जो साल है वो आगे बढ़ता रहेगा, टाइम आगे बढ़ता रहेगा, कंडीशंस आती रहेंगी। सो फर्स्ट कंडीशन कि 1 अप्रैल को बहुत तगड़ी खुशखबरी आई है, सर क्या 1 अप्रैल 2020 को आपने एक एसेट परचेज कर लिया। नॉर्मली समझेंगे, डेप्रिसिएशन को अंदर अपने दिमाग में मत रखो, जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। सर 1 अप्रैल 2020 को सर 1 लाख रुपए की मान लो मशीनरी ले ली, सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सर ये एंट्री होगी। बिल्कुल बच्चों अभी तक बताओ कोई रॉकेट साइंस मैंने पूछी है, नॉर्मल जो पहले सिखाया था वही तो पूछ रहा हूं। हाँ जी, तो 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मान लो कितने से 1 लाख रुपया, और ये कितना आता है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब क्या करें सर, अब ऐसा कीजिए, ये साल कब खत्म हो रहा है, ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से और ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, ये साल खत्म होगा। सर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो पूरे साल होने के बाद लास्ट में कैलकुलेट होती है। दैट मींस इज 31 मार्च 2021 इज द राइट टाइम टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। यस सर, साल का एंड हो गया है, दैट मींस इसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है कि कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है। तो बच्चों फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलो, अब इसकी एंट्री सीखने जा रहे हैं, मैं डेट डाल सकता हूँ ना 31 मार्च और 2021 ऊपर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। फटाफट से मुझे बता के चलो डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्या करती है, सर वो मशीनरी की वैल्यू कम कर देती है। That means, अगर मशीनरी 1 लाख रुपए की खड़ी है और मेरे को इसकी वैल्यू कम करनी है, अगर डेबिट में कोई चीज खड़ी है उसको मैंने कम करना है तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ओके सर एक चीज तो मुझे क्लियर होगी, क्या क्लियर हुआ सर, टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा, कितने से 20,000 से। सर डेबिट में क्या करें बच्चों, डेबिट में हम करके चलेंगे डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। चलो नॉन कैश को तो साइड में रखो, इट्स एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस मीन्स इट्स ऑफ नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट की नेचर का है, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम फॉर्मूला, हम इसमें डाल देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या सर बातें खत्म हो गई, नहीं बेटा अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आप आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, बट इसमें आपको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उस टॉपिक का रेलिवेंस है। सब बच्चे मेरे साथ एक चीज़ लिखो नोट में, और ये जो चीज़ है मैं आपको सारी लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करो। अकाउंट्स, मैं ये लिख रहा हूं सारे अकाउंट्स नहीं, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स, क्योंकि इस चीज पे मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स नहीं, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉमिनल नेचर, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉमिनल नेचर, उनको हम एज इट इज खड़ा नहीं रख सकते। दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन अकाउंट इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर, इसको बस डेबिट करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते, इसको हमें खत्म करना है। मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉमिनल नेचर नीड टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकता था, बट अभी उन चक्रों में मत पड़ो बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो हम आगे सीख के चलेंगे, जितना बोला है उतना समझना है बात को, ठीक है। कहता है मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉमिनल नेचर नीड टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ डेप्रिसिएशन एक खर्चा, खर्चा मतलब कि एक तरीके से ये जो सेल्स वाला पैसा आएगा ना सर, जिसमें हम खर्चे बांटेंगे, वॉचमैन को वेजेस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट देंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, रूम का रेंट देंगे, सर ये डेप्रिसिएशन वाला खर्चा ना, हम उस सेल्स में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे इसका भी, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लो एज अ खर्चा।
तो सर इसमें हम क्या करके चलेंगे? सर इसमें हम डेप्रिसिएशन को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे बच्चों? क्या एंट्री होगी इसमें? एक तो सर मुझे पता है 31 मार्च, 31 मार्च को ही होगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे खड़ा होगा ना, और मैंने क्या लिखवाया है कि हर एक अकाउंट खड़ा नहीं रह सकता नॉमिनल नेचर का। सर इसको हमने खत्म कर देना है 20,000 से, और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आप आगे सिखा के चलेंगे उसमें से ये हम निकाल लेंगे। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता है, हम सब पढ़ के चले हैं, प्रॉफिट एक तरह से कैपिटल में ऐड होता है। दैट मींस बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक तरह से लाइबिलिटी है कि यार ये मुझे ना जो मेरे मालिक साहब हैं उनको मैंने लौटानी है, और ये सब आप जानते हैं कैसे, जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ऐड होता है ना, एक तरह से बिजनेस की लाइबिलिटी यार ये लौटानी है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे अगर एज अ खर्चा, दैट मींस लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एक तरह से लाइबिलिटी है, दैट मींस क्रेडिट में खड़ी होगी, टू में खड़ी होगी, बट उसमें से अगर हम थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अगर प्रॉफिट थोड़ा कम करना है, क्रेडिट वाली चीज को थोड़ा कम करना है, दैट मींस उसको डेबिट कर दो। तो बच्चों एक तरह से हम इसमें कैसे पढ़ के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट में से थोड़ा निकाल के एज अ खर्चा साइड पे रख दिया। तो बच्चों टू डेप्रिसिएशन अकाउंट करना तो पता है सर, बट सर डेबिट किसको करेंगे? बच्चों डेबिट करके चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं आया? बच्चों थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के नहीं चलेंगे यहाँ पे, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेबिट करके चलेंगे। और है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, इसकी चीज की टेंशन ना लो। तो बच्चों क्या एंट्री कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा प्रॉफिट निकाल लिया डेप्रिसिएशन का एज अ खर्चा और उसको साइड पे रख दिया, और ये जो डेप्रिसिएशन खड़ा हुआ था इसका हमने अलग से बना दिया, इसको अलग से हमने खत्म कर दिया, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना बेस आपका क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर इतना बेस हमारा क्लियर हो गया। सर क्या इस साल का पूरा एंट्री हो चुका है? यस बच्चों इस साल की जो हरकतें करनी थी, जो एंट्रीज करनी थी वो पूरी हो चुकी है। सो आप स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले हमने ली मशीनरी, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा। क्या डेप्रिसिएशन को ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं बच्चों, उसको सर खत्म करना है। कैसे? प्रॉफिट निकाल के एज अ खर्चा हमने साइड पे रख देना। तो बच्चों अब आते हैं अगले ईयर में, 31 मार्च 2022, ठीक है? तो अभी तो कोई मशीनरी परचेज करी नहीं है, तो सीधा यहां की तो कोई बात नहीं है, सीधा मैं जाऊंगा यहां पे, यहां पे भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। सर स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन हर साल वही रहेगा। हाँ बच्चों डेप्रिसिएशन हर साल वही रहेगा। तो बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूं, 2022 31 मार्च क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की तो बैंड बजी हुई है, क्यों? क्योंकि जब जब डेप्रिसिएशन निकलेगा मशीनरी अकाउंट कम करते रहेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि इतने से मशीनरी हमारी कम हो गई वैल्यू उसकी, 20,000 का डेप्रिसिएशन है। ओके और नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? क्या छोड़ दोगे इसको ऐसे? नहीं सर ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको डेप्रिसिएशन को हमें खत्म करना है, मतलब प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेना। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चों मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के चलना है, मैं आधा लिख के चल रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट में खड़ा था और क्रेडिट में करके इसको खत्म कर दिया, 20,000 20,000। ओके सर ये तो कितना स्मूथ क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन चल रहा है। इतना ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, मतलब करवाऊंगा अभी, इतना ही समझो आप। बच्चों लेजर अकाउंट पढ़ के आए हो सब? हाँ सर लेजर अकाउंट हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, कुछ भी नहीं होता सर लेजर अकाउंट में, जो आपने अकाउंट्स बना रखे हैं इसके अलग से हम खाते बना लेते हैं, वेरी वेरी गुड्स। इसमें भी बच्चों वैसे ही करके चलना है आप सब मेरे साथ। ये 2022 तक की हमने हरकतें एक्टिविटीज कर ली हैं, तो इसके लेजर अकाउंट बनाने हैं बच्चों। इसमें दो अकाउंट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं और आपको पूछे भी जाएंगे, ठीक है? एक तो बनेगा कौन सा? सर एसेट के बारे में बात हो रही है और एसेट अकाउंट ही ना बने सर, ऐसे कैसे होता है? एक तो बनेगा बच्चों मशीनरी अकाउंट, और लेजर का मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है, जिसने नहीं देखा लेजर वाली वीडियो देख के आई है। ये होके चलता है डेट, ये होके चलता है पर्टिकुलर्स, और ये होके चलता है अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है? ये हो गया डेट, ये हो गया, चलिए ये लीजिए। सो हमारे पास क्या होगा बच्चों? हमारे पास 1 अप्रैल 2020, सो 2020 1 अप्रैल, इसमें क्या एंट्री करेंगे? टू बैंक अकाउंट। कैसे? पता है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्रीज कर ली हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, मशीनरी अकाउंट हम बना के चल रहे हैं और टू बैंक अकाउंट हुआ, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये से हमने कर दी एंट्री, ठीक है?
उसके बाद बच्चों कुछ हुआ है? नहीं सर, सीधा सीधा हमने लास्ट में जाके डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। ओके, सो 2021 को 31 मार्च को बच्चों क्या करी थी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब यहाँ क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से, 20,000 रुपये से। ओके, ये 20,000 रुपये। एंड उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद साल जब खत्म हो जाता है उसको क्लोज कर देते हैं, मतलब टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। बच्चों इस केस में क्या निकलेगा सर, इस केस में बाय बैलेंस सीडी निकलेगा, दैट मीन्स 80,000 रुपये की वैल्यू अभी भी पड़ी हुई है और ये जो बाय बैलेंस सीडी होगा अगले साल के लिए डेबिट बैलेंस बन जाएगा। हाँ, मतलब आप पढ़ के आए हुए हैं एक तरह से, मैं बोल सकता हूँ, है ना, लेजर पढ़ के आए हो तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये हो गया हमारे पास 80,000 रुपीज, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करना है सर, इसका टोटल कर दीजिए, ठीक है, मैं टोटल कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 और अगले साल के लिए इसको उतार दीजिए, 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 80,000 रुपये। एंड एक चीज़ मुझे बता के चलिए, और सॉरी यहाँ 2021 ही आएगा ना, अब मुझे एक चीज़ बता के चलिए, क्या 2021-22 में कुछ और चीज़ हुई है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, दैट मीन सीधा सीधा आप साल के एंड में डेप्रिसिएशन निकाल के चल सकते हैं। देख लूँ एक बार, एंट्री करी है ना मैंने इसकी? हाँ सर, ये करी हुई है, 31 मार्च 2022 की एंट्री करी हुई है आपने। ओके बच्चों, डेट्स का ना खास ख्याल रखना इसमें, क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से, 20,000 रुपये से एंड 20,000 रुपये से। थोड़ी सी लाइन में बड़ी कर लेता हूँ प्लीज़। ओके, 31 मार्च और ये हो गया बाय बैलेंस सीडी, और कम हो गया बच्चों। ट्राई टू रीड, जहाँ 1,00,000 रुपये से शुरू हुआ था हमारा एसेट, हमने 2 सालों की 2 बार 20,000 माइनस कर दिया, तो अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी खड़ी है, 60,000 रुपये। ट्राई टू रीड, ठीक है, क्रैम नहीं करना इसमें कुछ भी। ये लो जी, हो गया, तो इसको भी आप टोटल कर दीजिए, ठीक है सर, कर देता हूँ, 80,000 एंड 80,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको उतार दीजिए, 2022 1 अप्रैल को उतार दीजिए टू बैलेंस बीडी कितने से, 60,000 हमारी एक तरीके से वैल्यू खड़ी हुई है, ठीक है, 60,000 रुपये। तो बच्चों अब नेक्स्ट सिचुएशन दे रहा हूँ, हम एक तरह से रेडी हो गए हैं, ठीक है। एक बच्चों इसमें एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ बनती है, दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो होता है मशीनरी अकाउंट, एक होता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अरे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने वाली सर क्या ही बात थी, बच्चों आ जाती है, बना लो, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसको रीड करने की कोशिश करना सर, सीधा सीधा 2021 की उतारो, 20 में तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, सो 2021 31 मार्च, ठीक है, क्या उतारेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट था, ठीक है, सो टू मशीनरी अकाउंट कितने की डेप्रिसिएशन, 20,000 की डेप्रिसिएशन। क्या इस 20,000 को आप ऐसे छोड़ दोगे? नहीं सर, ऐसे खड़ा नहीं छोड़ सकते, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट मीन्स वहां से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेंगे। तो बच्चों क्या एंट्री होती है सर, इसकी एंट्री होके चलती है ये रही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब 20,000 का आया था और 20,000 का हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, ये हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे फॉर्मेट पूरा बना लेना, मैंने आधा अधूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो टैली हो गया, खत्म, इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। और उसके बाद सर 2022 में दोबारा सर डेप्रिसिएशन लगा, ओके, तो क्या एंट्री हुई है सर, एंट्री सेम ही हुई है बट 20,000 और डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, तो इसको भी सर ट्रांसफर कर दें, यस बिल्कुल, 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 एंड 20,000, ठीक है। सो सब कुछ रेडी हो गया सर, 31 मार्च 2022 तक का जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास रेडी हो गई। बच्चों मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तक दिमाग में क्या था सर, 5 साल की लाइफ है, मतलब 2021-22 एंड 2022-23, ठीक है, और 2022-23 और उसके बाद 24 उसके बाद 25, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ सर, एक तरीके से 5 साल, एक तरीके के सर 5 साल हमारी एस्टिमेशन लाइफ थी, तो दिमाग में यही था कि यहाँ तक जाएगा एसेट। बट बच्चों कंडीशंस कभी कभार कैसे होती हैं यार, इस समय तो इंसान की गारंटी नहीं है, मशीनरी की क्या गारंटी ले सकते हो, मशीनरी कभी कभी बीच में बंद हो जाती है। मान लो मशीनरी 30 सितंबर, मैं थोड़ी कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए आपको 30 सितंबर की डेट ले रहा हूँ, मान लो मशीनरी 30 सितंबर को बच्चों, मतलब कि 30 सितंबर 2022, और ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2023, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 वाले साल की बात कर रहा हूँ, उस साल के बीच 30 सितंबर 2022 को
एसिड जो है वो खराब हो जाता है, और क्वेश्चन में आपको इंग्लिश का वर्ड लिखा होगा एसिड बिकम ऑब्सीलीट, ठीक है। तो बच्चों इस एसिड को हम सेल कर देते हैं, मान लो अब एसिड खराब हो गया पड़ा पड़ा, क्या देखेंगे थोड़ा ना उसको, उसको हम सेल कर देते हैं 20,000 रुपये से। अब बहुत से बच्चे इसमें पता है क्या गलती करते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर स्क्रैप वैल्यू ना, इस सेल के पैसे को हम स्क्रैप वैल्यू बुलाएंगे। नहीं बच्चों, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सेल्स वैल्यू एंड अ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होकर चलता है कि मशीनरी पूरा अपना पूरा समय गुजार के गई है, उसके बाद हम बेच रहे हैं स्क्रैप वाले भैया को, वो होता है स्क्रैप वैल्यू। बट मशीनरी पूरा समय नहीं गुजार रही, बीच में ही खराब होगी तो हमने कहा चले यार कर दो सेल। बच्चों डिफरेंस होता है, ठीक है, सेल्स और स्क्रैप वैल्यू में। तो अब कंडीशन ये आई कि सर 31 मार्च 2022 तक के हमारे पास बैलेंसेस खड़े हुए हैं, और वो मैंने आपको बता दिया 31 मार्च 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 तक का मेरे पास मशीनरी का बैलेंस खड़ा हुआ। एंड सर क्या आप जानते हैं 30 सितंबर 2022 को हमारी मशीनरी खराब होगी और हमने इसको सेल कर दिया, कितने रुपए का, 20,000 रुपए। सर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा मानता हूँ, सर कुछ ना कुछ तो घाटा या फिर फायदा हुआ होगा मानता हूँ। बेटा घाटा और फायदा कैसे निकाल के चलते हो? सर कुछ ऐसा हो जाए, नाउ मार्क माई वर्ड्स प्लीज, मेरे वर्ड्स को ढंग से सुनना, सर कुछ ऐसा हो जाए कि 30 सितंबर को इस मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी खड़ी हुई है वो मिल जाए ना सर, मजा आ जाए। क्योंकि अगर वो वैल्यू मिल जाएगी ना सर, उसको मैं सेल्स की वैल्यू से कंपेयर करके ये पता लगा लूंगा कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात? हाँ सर मानते हो। बट सर एक प्रॉब्लम है, क्या बच्चों? सर मेरे पास 31 मार्च 2022 तक की ही वैल्यू खड़ी है, तो क्यों दिक्कत ले रहे हो बच्चों, क्यों दिक्कत ले रहे हो? आपके पास डेप्रिसिएशन पूरे साल का गिवन है, मतलब कि 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का तो डेप्रिसिएशन पता है कि अगर मशीनरी नॉर्मल वर्क करती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता पूरा एक साल का। हाँ सर 20,000 लगता, तो क्या दिक्कत है? मशीनरी ने कितना और काम करा इस साल में? सर 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाऊं? हाँ बच्चा शुरू हो जाओ। सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सर 6 महीने काम करा है। तो बेटा यहां तक इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, किस में से, जो अमाउंट आपके पास यहां पे खड़ी हुई है। हाँ सर ये तो आइडिया सही है, तो बेटा यही आइडिया है क्या, यही करना है आप लोगों को? ओके सो फटाफट से मुझे बता के चलो वर्किंग नोट्स में मुझे बता के चलो कि 1 अप्रैल 2022 को कितनी खड़ी हुई थी मशीनरी की वैल्यू? सर 1 अप्रैल 2022 को सर 60,000 रुपये की खड़ी हुई थी, ठीक है। सो हम डेप्रिसिएशन कहाँ से लेकर कहाँ तक निकाल के चलेंगे? सर डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लो। सर मेरे पास यहाँ से लेकर पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 12 मंथ्स का, सर मेरे को 6 मंथ्स का चाहिए, दैट मीन्स उसका 6/12 कर दो। सर 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना है? सर 20,000 रुपये। अगर मैं इसका 6 मंथ्स कर दूँ आपको 6/12, 6 1 6 2, ये हो गया 10,000। सर निकालने की भी जरूरत नहीं थी, अगर 20,000 का आधा कर दो तो 10,000 होता है, वेरी वेरी गुड। तो 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन बच्चों, 10,000 रुपए की 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन उसमें से कर दो लेस, कैसे? 50,000 रुपए। तो बच्चों 30 सितंबर 2022 को वैल्यू खड़ी है 50,000 रुपए, और कितने का सेल कर रहे हो? सर 20,000 का सेल कर रहे हैं भारी मन से। तो बच्चों ये जो 30,000 आया है ये क्या आया है? सर ये आया है लॉस। इतना निकाल लिया, यस और नो, अभी मैं एंट्री की तो बात कर ही नहीं रहा बच्चों, इतना निकाला कि नहीं? हाँ सर इतना निकाला। बच्चों इसको अब स्टार्ट कैसे करना है एंट्री करना, इसको आपने स्टार्ट पता है किस चीज से करना है? भूल जाओ अभी कोई सेल हो रही है, भूल जाओ, स्टार्ट आपने करके चलना है पहले इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालो। पहले सर डेप्रिसिएशन निकाल लूं, यहां तक मैं पहुंच जाऊं, उसके बाद सर सेल वाली जो प्रथा है वो शुरू करूंगी, ठीक है बच्चों? तो आप फटाफट से एंट्री कर दीजिए कौन सी, और ये एंट्री बच्चों याद रखो ये एंट्री कब होगी? सर 2022 30 सितंबर की होगी, 31 मार्च 2023 को मत ले जाना, वहां तक तो बात पहुंची नहीं आप लोगों, वहां तक तो एसेट गया है ना, यही कार्यक्रम हो गया एसेट का, तो यहीं पे डेट्स को रोक लोगे। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे? 30 सितंबर 2022 को सर फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन तो निपटाओ इन 6 महीने का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने से? ये आया है 10,000 और ये भी आया है 10,000, और एक और 30 सितंबर को एंट्री होगी कौन सी बच्चों? सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना भी जरूरी है ना, प्रॉफिट में से हिस्सा निकालना है एज अ खर्चा, ठीक है। तो सर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और बच्चों ट्राई टू एनालाइज, कैसे? ट्राई टू रीड। देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट में कितना खड़ा हुआ था? 1,00,000, और जिस चीज़ को डेबिट को अगर कम करना है तो हम क्रेडिट क्रेडिट करते रहते हैं। अभी के हिसाब से
मशीनरी की कितनी वैल्यू है सर? 1 लाख माइनस कर दिया सर टू मशीनरी अकाउंट 20 सर, 20 60 सर, 60 प्लस एक और बार 10,000 से माइनस करा, दैट मीन्स 50,000 रुपये। और मैंने क्या बोला था यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी खड़ी हुई है? 50,000 रुपये। 50,000 की मशीनरी 20,000 में अगर सेल करोगे तो कितना लॉस होगा सर? 30,000 का लॉस होगा। अब इसमें टेंशन नहीं लेने की सर अब इसकी एंट्री कैसे करूं? इसकी एंट्री बेटा आप ऐसे करके चलोगे, पहले आप डेप्रिसिएशन निपटा लो, आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री तो कर ली, इसकी एंट्री भी निपटा लो प्लीज। सो 2022 30 सितंबर क्या एंट्री करोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से बेटा? सर 10,000 रुपये से। ओके, सारा कुछ लिपट गया। अब हम आते हैं कि जो हमने सेल किया, तो बच्चों किसी चीज़ को सेल करते हो तो पैसा आता है? हाँ जी सर आता है। तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का पैसा आया है? सर 20,000 रुपये का पैसा आया है। ओके सर, मशीनरी का ओके टाटा बाय बाय हो गया परमानेंटली, वो चली गई? हाँ बच्चा चली गई। कितने रुपये की खड़ी हुई थी यहाँ पे मशीनरी? यहाँ पे 30 सितंबर को कितने रुपये की ओरिजिनल वैल्यू खड़ी हुई थी विद लेस डेप्रिसिएशन? सर 50,000 ही खड़ी हुई थी। दैट मीन्स टू मशीनरी अकाउंट 50,000, और आया कितना सर? 20,000 रुपये। एंड सर बाकी जो 30,000 है सर वो घाटे में बेचनी पड़ी हमें। तो बच्चों 30,000 एक तरीके से लॉस हो गया। जब प्रॉफिट होता था तो फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस में कर देते थे, अब जब लॉस हो रहा है ना बच्चों, जब आपको लॉस हो रहा है तो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लॉस रिकवर करके चलेंगे। अब मुद्दा ये आया कि सर उस लॉस को हम कैसे रिकवर करके चले? बेटा उस लॉस को आप एक अकाउंट से रिप्रेजेंट करके चलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकवर हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन मत लो। उसको हम लिख के चलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की, 30,000 रुपये प्रॉफिट से निकाल लेंगे ना, एक तरह से लॉस होता है। हाँ बच्चा वो निकल जाएगा, अभी के लिए ये समझो कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट हम बना के चलें। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर दीजिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में। कैसे एंट्री होगी? 30 सितंबर को ही सारा कार्यक्रम होगा सर, ये एंट्री होकर चलेगी टू मशीनरी है ना सर, बाय बैंक अकाउंट। और एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, अब 2 मिनट रुक जाओ बस। 20,000 और एक और सर 30 सितंबर को होगी क्या चीज़? बाय लॉस। कितना? 30,000 रुपये सर। ये इसका काम तमाम हो गया, दैट मीन्स ये और ये मैच करने चाहिए। लो अभी करवा देता हूँ मैच। 60,000 की मशीनरी थी 1 अप्रैल 2022 को, उसमें से 10,000 हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन इतने पीरियड का, 6 महीने के पीरियड का। बचा कितना? 50,000। उस 50,000 रुपये में से 20,000 की तो मशीनरी आ गई, बाकी 30,000 हमें लॉस हो गया। तो ये बच्चों आपका मैच हो गया है 60,000 एंड 60,000 रुपये। ओ शिट, एक चीज़ तो भूल गए। क्या सर? सर वो तो भूल गए, डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ लगा लो, ये लो। क्या एंट्री करी थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जो 10,000 वाली थी। यस सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों इसमें हम ऐसे कैसे करके चलेंगे एंट्री? इसमें हमारी एंट्री होगी ये टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 10,000 से, क्योंकि 6 महीने का था भाई, चाहे जितने महीने का है, अगर मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना ही डालना है। ये हो गया हमारा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपये से। तो बच्चों ये होते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया था कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कि अब मैंने आपको कौन से वाला केस करवाया? मैंने आपको एक नॉर्मल केस कराया जिसमें आपको एक मशीनरी थी और उस मशीनरी का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और लास्ट में वो मशीनरी सोल्ड करनी पड़ जाती है। तो ये हमने केस कवर कर लिया। तो बच्चों एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक मशीनरी है उसके डेप्रिसिएशन लग रहे हैं और वो मशीनरी ख़राब हो जाती है और उस मशीनरी को हम सोल्ड कर देते हैं। बट बच्चों एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप के क्या, वो आते ही आते क्वेश्चंस हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे और ये भी आ सकते हैं, तो पढ़ लेना बच्चों। उसमें देखो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज क्या पूरे साल में एक ही मशीनरी रखेंगे? नहीं सर, पूरे साल में वो एक बार 2 मशीन्स खरीद सकती है, 3 मशीन्स खरीद सकती हैं। तो उस केस में क्या करें? इस केस में तो मशीन 1 थी, ठीक है, प्लांट 1 था, कुछ भी फिक्स्ड एसेट 1 था। बट आगे आने वाले केसेस में क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को, कि एक मशीन थी, दूसरी मशीन फिर खरीद ली, अगले साल तीसरी मशीन फिर खरीद ली, उस केस में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चलते हैं, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हम स्ट्रेट अवे पकड़ेंगे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट वाली चीज ही समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझ के चलना और आपको वर्किंग नोट्स। हाँ एक चीज मेंशन मुझे करनी थी बच्चों, डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन में जैसे वर्किंग नोट्स बनाने को मैं बोलूंगा ना, अगर मेरे हिसाब से चल लिया डेप्रिसिएशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही देखो फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप एक चीज लिख के चलो, क्या? वर्किंग नोट्स, ओके। यहाँ पे आप सब लिख के चलो वर्किंग नोट्स। तो बच्चों एक चीज आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, पढ़ेंगे सब प्लीज। कहता है ऑन 1st April 2015 एक्स लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर ₹43,000, ओके। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, ओके। और उसके 10 सालों के बाद जो स्क्रैप मिलेगा वो ₹3,000 है। सर स्ट्रेट लाइन से मैं निकाल लूंगा, मुझे डेप्रिसिएशन निकालने की टेंशन नहीं है, ओके। कहता है 1 April 2016 को फिर से एक एडिशनल मशीन परचेज करी, आ गया ना एक और मशीन। कहता है उसकी 15 साल है, स्क्रैप वैल्यू 2500 है। सर ये भी मैं निकाल लूंगा, दिक्कत नहीं। 1 अक्टूबर 2017 को फिर से एक मशीनरी परचेज करी एंड उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2000 और उसकी इफेक्टिव लाइफ है 20 ईयर। कहता है शो करके चलो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019 इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है और अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को एवरी ईयर होते हैं। सर मुझे पता है अगर कुछ भी मैंशन नहीं हो तो फाइनेंशियल ईयर ही होता है, ठीक है। कहता है कब तक के शो करो? 31 मार्च 2019। एंड बच्चों स्टार्ट कब से हो रहे हो? सर स्टार्ट हो रहे हैं हम 1 अप्रैल 2015 से। अब चुपचाप जैसे दिखा रहा हूं वैसे करके चलना है आपने, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ेगी ना, हम उसी क्वेश्चन में बना के चलेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत पड़ेगी, इतनी नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो 2015 एक अप्रैल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। खुशखबरी आई है किस चीज की? सर 43,000 रुपीज की मैंने मशीनरी परचेज करी है। तो बच्चा इसमें आप ऐसे करोगे, 1 अप्रैल, डेट्स मैं थोड़ी थोड़ी कम लिखूंगा तो आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। 1 अप्रैल को एंट्री क्या होगी? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी है यार, ये भी देख लेना प्लीज। 43,000, रुक जाओ। बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए हम बनाएंगे। अब हमें पता है कि 3 मशीनरी परचेज करी है, तो हम इनका नाम पता कैसे दे देंगे? P1, P2, P3, ठीक है। सो P1 की डेप्रिसिएशन कितनी बनी हर साल की? सर P1 की डेप्रिसिएशन हर साल की सर 43,000 रुपीज की मशीनरी है और ₹3,000 सर स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है। बच्चों स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10। तो ये हो गया 40 अपॉन में 10, ये हो गया हमारा 4,000। सर 4,000 की डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगा के चलना ही चलना है। अब इसमें मेंटेलिटी कैसे रखनी है, दिमाग कैसे रखना है? 2015 एक अप्रैल को मैंने मशीनरी ली है, अब आपने देखना है क्या पूरा साल क्लियर है? पूरे साल तो कोई हरकत नहीं हो रही? नहीं सर, पूरे साल कोई हरकत नहीं हुई। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 क्लियर है एकदम। तो बच्चों सीधा अपने हाथ को ले जाओ यहाँ पे 2016 31 मार्च, और साल के एंड में क्या करते हैं सर? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। दैट मींस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए निकाल, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। कितने की डेप्रिसिएशन है सर? 4,000 रुपए की, अभी तो निकाली है सर, ओके। और 31 मार्च को क्या एंट्री कर दोगे? कितना बैलेंस रह गया बाय बैलेंस सीडी? कितना? 43 में से 4 गए बच्चों, होता है 39,000। और लेजर का अकाउंट इस साल के लिए समाप्त कर दोगे, ओके। सो ये हो गया 43,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर? ये उतार लीजिए कितना है 1 अप्रैल को, टू बैलेंस बीडी। सर ये हमारे पास है 39,000। बच्चों एक चीज अब और आ गई है, अब आगे बढ़ के चलो। कहता है ऑन 1st April 2016, बच्चों जिस डेट पे खड़े हैं उसी डेट की बात कर रहा है। कह रहा है ऑन 1st April 2016 द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीन फॉर ₹25,000। टेंशन नहीं लेनी। अरे सर इसमें क्या ऐड करें, क्या करें? हर चीज हम सेपरेट रख के चलेंगे और उनको नंबरिंग दे देंगे, P1, P2, P3 की नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या एंट्री करोगे आप? इसमें एंट्री करोगे 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज हुई है ना, हाँ जी। सो इसमें एंट्री करोगे टू बैंक अकाउंट, बच्चों इसको लिख देना P2, क्योंकि जो टू बैलेंस वीडियो वो P1 है, ठीक है। अगर लिखना है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं है P1। सो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की मशीनरी परचेज करी है? कहता है सर 25,000 रुपए की मशीनरी मैंने परचेज करी है, ठीक है। अब बात क्या आई? अब बात ये आई, क्या सर ये पूरा साल क्लीन है? बच्चों पूरा साल क्लीन तो है, मतलब इस साल हमने मशीनरी ली है एट द स्टार्टिंग में और 31 मार्च 2017 तक पूरा साल क्लीन है, मैं मान रहा हूँ ये बात। बट बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हमारी बारी आती है डेप्रिसिएशन की, बट सर ये वाली मशीनरी की अलग डेप्रिसिएशन, ये वाली मशीनरी की अभी कैलकुलेट करेंगे उसकी अलग डेप्रिसिएशन। क्या सर ऐसे ही करना है? हाँ ऐसे ही करना है। बच्चे क्या कर रहे थे, जिनमें डाउट आ रहा था, बच्चे मिक्स कर रहे थे दोनों को, प्लस करके डेप्रिसिएशन अलग अलग रखो, ठीक है। तो इस वाले की डेप्रिसिएशन मुझे पता है पूरा साल कितनी आनी है, कितना? 4,000 रुपए। अब मैं निकालता हूँ P2, दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी नंबर 2। ये कितने की है? 25,000, ठीक है। एंड 25,000, और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? सर इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2500
-2500 एंड बच्चों एस्टिमेटेड लाइफ कैसी है 15। बच्चों इसका तो पता है ना आपको फॉर्मूले का? हाँ सर इस फॉर्मूले का तो पता है। सो इसको कैलकुलेट करो, 25,000 -2500 / 15। सर इसकी आई है 1500 रुपये की डेप्रिसिएशन हर साल इसकी लग के चलेगी। वेरी वेरी गुड्स, 1500 की डेप्रिसिएशन। तो अब लिख के कैसे चलना है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज होती है? बच्चों आपको ऐसे लिख के चलना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो प्लांट नंबर वन है, जो P1 है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है सर? 4000। इसको यहीं लिख दो, टोटल करके डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देना, ठीक है? और जो सेकंड है उसकी कितनी है सर? 1500, दैट मीन्स अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल ली, ठीक है? 1500 और टोटल में कितना बन रहा है सर? टोटल में बन रहा है 5500। और अब क्या वक्त आया सर? अब वक्त आया है इसके बैलेंसेस निकालने का। अब मुद्दा यह है सर, बैलेंसेस कैसे निकालें? बच्चों बैलेंसेस तो निकाल सकते हो ना, पहले क्या कर रहे थे? दिस माइनस दिस कर रहे थे, अब भी तो ऐसे करना है। प्लांट मशीनरी नंबर वन 39,000, प्लांट मशीनरी नंबर वन पे डेप्रिसिएशन 4000 रुपये। 39,000 माइनस 4000 कितना होता है? 35,000 रुपये। सो बाय बैलेंस सीडी प्लांट मशीनरी नंबर वन का आया 35,000 रुपये, प्लांट मशीनरी नंबर टू 25,000 और प्लांट मशीनरी नंबर टू का डेप्रिसिएशन 1500। सो 25,000 में से 1500 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 23,500 रुपये। सो बच्चों हमारे पास कितना आ गया? 58,500। समझ में आया कि नहीं आया? कितने इजी तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं बच्चों। हर चीज़ अकाउंट्स में आप नॉर्मल करके चलोगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ के चलोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? अब हम आते हैं आगे, कौन सा? 2017 1 अप्रैल, ठीक है? सो पहले तो उतार दो। सो इतना इतना बैलेंसेस बच्चों, टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि इतना इतना बैलेंस इस प्रेजेंट डेट पे हमारे पास खड़ा हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास कितना बना है? 58,500, 58,500, ठीक। अब पढ़ो आगे, कहता है ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2017 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹12,000 ऑफ विच स्क्रैप वैल्यू विल बी 2000 एंड इफेक्टिव लाइफ 20 ईयर्स। क्या मैं अपने हाथों को सीधा यहाँ ले जाऊँ? यहाँ ले जाने का मतलब ये है 2018 31 मार्च की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 सर, कैसे लेके जाते हो? 2017 और 2018 के बीच कुछ हरकत हुई है सर, कुछ एक्टिविटी हुई है। क्या एक्टिविटी हुई है सर? 1 अक्टूबर 2017 को आपने एक मशीनरी परचेज करी है 12,000 की, नॉर्मल। अभी डेप्रिसिएशन के चक्करों में मत डालो, अभी सिंपल ही करो। अच्छा ठीक है, ये करिए। बट सर आप हैंड वहां मत लेके जाइए, पहले यहाँ पे एंट्री कीजिए सर बैंक अकाउंट की। ओके बच्चों, क्या एंट्री होके चलेगी सर? डेट डाल लीजिएगा। अच्छा, 1 अक्टूबर को एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, और ये कौन सी है? ये है मशीनरी नंबर 3, इसको मैं डिनोट कर दूंगा 3 से। कितने रुपये की मशीनरी है सर? ये है 12,000 की। ओके लो जी, कर दी। अब बात आती है, क्या मैं अपना हाथ अब 31 मार्च को ले जाऊं एट द एंड ऑफ द ईयर? हाँ सर ले जाइए, बट सर थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। बच्चों दिक्कतें कुछ नहीं है, दिक्कतें सिर्फ आप समझते हैं उसको, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा हुआ। अब कॉन्सेप्चुअली पढ़ के चलेंगे, ठीक है? सो 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर मुझे फर्स्ट नंबर वाली मशीनरी का पता है कितना डेप्रिसिएशन हर साल लगना है? कितना? 4000 रुपये। सर मेरे को मशीनरी नंबर 2 का भी पता है कितना लग के चलना है? 1500। बट सर मुझे अभी मशीनरी नंबर 3 का नहीं पता। तो उसके लिए पता करना करने के लिए सर मुझे एक बात क्लियर है सर, 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी परचेज हुई है, 1 अक्टूबर 2017 को, और सर 1 अक्टूबर के बाद कितना टाइम रही है उतने तक की ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ऑब्वियस बात है बच्चों, जिस टाइम के लिए मशीनरी रही है उसी टाइम के लिए निकालोगे ना, इस पीरियड के लिए तो नहीं निकालोगे। हाँ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीनों के लिए। सो पूरे 12 महीने के पहले निकालो, उसको 6 महीने कर दो। सो ये मशीनरी कितने की थी? ये 12,000 की मशीनरी थी। स्क्रैप वैल्यू कितने का था? 2000 का, और एस्टिमेटेड लाइफ थी 20 की। सो 10,000 अपॉन में 20, बच्चों ये आके कितना चलता है? ये हमारे पास कितना आगे चलता है? ये हमारे पास आगे चलता है 500। ये तो आ गई है बच्चों 12 मंथ्स की, हमें कितने मंथ्स की चाहिए? 6 मंथ्स की चाहिए। तो 500 का कर दो आधा, ₹250 की डेप्रिसिएशन। बच्चों समझ में आया ना मतलब? यहाँ से लेकर यहाँ पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे जब मशीनरी आई 1 अक्टूबर को है, ठीक है? तो आप थर्ड वाली में क्या कर दोगे? ₹250। अब तीनों का टोटल कर दो बच्चों, तीनों का टोटल करोगे आएगा 5750। अब बात कौन सी आई? अब बात आई सर कितना कितना बैलेंस रह गया, बाय बैलेंस सीडी। सो कैसे निकालोगे? 35,000 में से माइनस करोगे 4,000, तो बच्चों कितना आएगा? 31,000। प्लांट नंबर टू 23,500 से माइनस करोगे 1500, तो कितना आएगा?
ये आएगा हमारे पास 22,000, ठीक है। एंड प्लांट नंबर थ्री, 12,000 से 250 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 11,750। सो टोटल करोगे तो आएगा इसका 64,750। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। ओके इसको कर दो खत्म, 70,500 एंड 70,500। बच्चों मेरी कॉपी हो गई है खत्म, तो मैं इसको अगली शीट में डाल रहा हूँ। तो यहीं से मैं बैलेंसेस उतार रहा हूँ अगले साल के, 2018 1 अप्रैल के। ओके 2018 1 अप्रैल के क्या एंट्री करूंगा, टू बैलेंस बीडी। कितना कितना था सर? फर्स्ट का था 31 एंड सेकंड का मेरे पास कितना था? सेकंड का था 22,000, ठीक है। एंड थर्ड का मेरे पास था 11,750। सो इसका आ गया था 64,750, ठीक है। सो अब शुरुआत होगी हमारी 18-19 साल की। तो क्या कुछ है? नहीं सर, खत्म। जो एक्टिविटीज होनी थी हो चुकी हैं। दैट मींस ऑल आवर, जो जितना भी हमारा फुल ईयर है वो एक तरह से अब क्लीन है। और जब क्लीन ईयर होता है दैट मींस कुछ हरकतें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो हाथ को मैं सीधा पकड़ के ले जाऊंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो बच्चों 2019 एंड 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों समझ रहे हो ना डेप्रिसिएशन 1 2 3 क्या लिख रहा हूं मैं? प्लीज नहीं समझ में आएगा तो उसी टाइम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके साथ ही हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फर्स्ट मशीनरी सर 4,000, सेकंड मशीनरी सर 1,500, तीसरे में लिख दूं 250 रुपया? नहीं सर, इस साल 2018-19 में तो ये तीसरे नंबर वाली मशीनरी पूरे साल के लिए रही है, तो सर 500 रुपये लिख के चलेंगे। वो 250 इसलिए लिखा था क्योंकि 6 महीने के लिए आई थी पिछले साल के लिए, ठीक है। सो ये लिख दो आप 500, ठीक है। सो टोटल हमारे पास आ गया 6,000 रुपये। और बच्चों लास्ट में आप सब जानते हैं मार्च 31 को निकाल लीजिए बैलेंस। अरे यार ये भी चेक कर लेना कितनी डेट्स के लिए निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा दिस माइनस दिस आता है 27,000, 22,000 माइनस 1,500 ये आता है 20,500, और 11,750 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11,250। इन सबका टोटल निकाल लीजिए 58,750, ये हमारे पास आ गया बैलेंस। ओके सो 64,750। एक बार क्वेश्चन देख लो यार कब तक के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन कहता है अपनी जो बुक्स हैं वो 31 मार्च 2019 तक बनाना। अच्छा लो बन गई, 31 मार्च 2019 तक की बन गई, ठीक है। बच्चों इसमें क्या करना है कि आपने अगले साल के लिए, जो आपको पता है यार मशीनरी अकाउंट है डेबिट बैलेंस आएगा तो अगले साल ही आएगा ना डेबिट बैलेंस, तो वो भी दिखा देना। जिस साल तक की बुक्स बोली हुई है अगले साल के ओपनिंग में क्या रहेगा वो भी दिखा देना। दैट मीन्स 2019 एक अप्रैल के ओपनिंग में कितना रहेगा? टू बैलेंस बीडी। सो भैया इतना इतना बैलेंस बचा है, फर्स्ट मशीनरी का प्लांट एंड मशीनरी का 27,000, सेकंड का इतना, और थर्ड का मेरे पास बचा है 11,250, और टोटल की बात करूं मेरे पास बचा है 58,750। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में सर हमने डिस्कस किया कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना आ गया, और सर आपने ये भी बताया कि गलती से एसेट अगर सोल्ड करना पड़ जाता है वो भी सीख लिया। उसके बाद सर हमने सीखा कि एक एसेट से तो काम चलता नहीं, अगर बार बार एसेट ले रहा है तो सर वो वाला केस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि बार बार एसेट भी ले रहा है प्लस उसमें से एक दो एसेट सोल्ड भी हो गया, अब अगले लेक्चर में वो केस करके चलेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं ये केस यहीं पे रेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। और आप इन दो केसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं आपको क्वेश्चन देके चलूंगा, उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करके चलना है। अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो बच्चों डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड बच्चों लास्ट तक लेक्चर देखो। और जो बच्चे डेप्रिसिएशन से ही मेरे को पहली बार देख रहे हैं पीछे वाले लेक्चर जरूर देखे जाओ, ऐसे जैसे समझाया ना वैसे ही कॉन्सेप्चुअली पीछे वाले चैप्टर्स भी समझाए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।